हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल ऑफ सर्वाइवल। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है ये डबल वॉल के ऊपर होने वाला है, यानी कि दो बेसिल होते हैं, एक छोटे वाला होता है, एक बड़े वाला बेसिल होता है। तो वो आप आपस में ना कैसे डबल वॉल उसका कर सकते हो उसके ऊपर। पहले तो मैं ब्लू प्रिंट के बारे में बता देता हूँ। ब्लू प्रिंट होता है ये वाला, ये जो आपको पेपर मिलते हैं ना, ये पेपर इधर से मिलते हैं, तो इधर आपको मिशन करने पड़ते हैं। तो गाइज, ये जितना हो सके आप उतने मिशन करो और उतना पेपर इकट्ठा करो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बाद में फिर आप ये ना हो कि ये चला जाए तो आप बोलो कि ये हमसे क्या हो गया, हमने इकट्ठा ही नहीं किए। तो ये पहले 5 का अपग्रेड आता है, फिर 10 का आता है, फिर 30 का आता है। और ये देखो नीचे देखो, 29 बेसल में लगा सकता हूँ, ठीक है। ऊपर ये 192, ये मैं उधर ना ऊपर जो वॉल होते हैं ना, वॉल और डोर होते हैं, ये मैं लगा सकता हूँ, और छत वाली वॉल लगा सकता हूँ। और गाइस, ये मैंने इतने तक अपग्रेड कर रखे हैं। ऊपर से मेरे पास यानी कि 27 हैं टिकट, तो वो भी मैं बाद में 30 करके अपग्रेड कर दूंगा। और गाइस, अभी मैं आ गया था गेम के अंदर। तो गाइस, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हर बेसल के अलहदा अलहदा आप कैसे उसको ना डबल वॉल कर सकते हो। तो ये पहले बेसल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसल आप इस बड़े वाले बेसल के यानी कि सेट कैसे कर सकते हो, यानी कि डबल सीलिंग इसका कैसे कर सकते हो। तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे, ये जो बेसल है ना, ये 8 लगाने पड़ेंगे, 8 बेसल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 7 दरमियान में से आपको तोड़ देने हैं, ठीक है। इस तरह आपने तोड़ देने हैं। और गाइस, ये फिर से ना आपने इस तरह लगाने हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसी तरह आपने लगाते आना है। तो ये देखो, ये आपने, ये तो मेरे से गलत लग गया, तो ये मैं इसको तोड़ता हूँ और इधर लगा देता हूँ। और गाइस, ये आप देख सकते हो, ये इससे अलहदा हो गया। और गाइस, पहले से तो मैं ये पहले तो तोड़ता हूँ ना इसको, तो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि उधर डबल सीलिंग आप लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइस, ये आपने याद रखना है, इसके लिए 8 बेसल लगाने पड़ते हैं, और 8 में से दरमियान से आपने 7 तोड़ देने हैं, फिर से उसी तरह करके आना है, तो तभी ये होगा, ठीक है। तो गाइस, ये तो मैंने आपको समझा दिए। और अब रह गए ये वाला बेसल, ये वाला बेसल के लिए ये आपको कितना लगाना पड़ेगा, ये वाला लगाने के लिए 9 आपको ये वाले बेसल लगाने पड़ेंगे, एक छोड़कर, और आपने पूरे तोड़ देने आगे की तरफ। तो इतने तक मैंने तोड़ दिए, दोबारा से आपने वही काम से ऐसे ही शुरू करना है, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही करते आना है। तो अभी ना ये जल्दी जल्दी से करते हैं, और ये मैं पहुँचा हूँ इतने तक। तो ये देखो, ये बड़े वाला बेसल मैंने लगा दिए। और गाइस, ये देखो, इसके लिए 9 लगते हैं, वो छोटे वाला बेसल लगाने के लिए कितना लगता है, 8, ठीक है, 8 लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने करना है, ठीक है गाइस। तो ये मैं पूरे तोड़ देता हूँ। तो गाइस, अभी ना ये तो मैं तोड़ देता हूँ, और गाइस अभी देखो, ये इसके ऊपर भी डबल सीलिंग यानी कि आपका ना ये वॉल लग जाता है, ठीक है, वॉल। तो ये मैं वॉल मैंने लगा दी है। और गाइस, अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है गाइस। तो वो चीज़ ये है कि ये इधर अगर आप हर एक बॉक्स को कैसे अपना, हर बेसल को कैसे अलहदा कर सकते हो, तो गाइस उसके लिए आपको 9 ऐसे बड़े बेसल लगाने पड़ेंगे। तो ये फटाफट से पहले लगा लेते हैं। तो गाइस, ये मैंने लगा दिए हैं, बस एक आपने छोड़कर और पूरे 8 आपने तोड़ देने हैं, ठीक है, 8 तोड़ देने हैं। तो दोबारा से गाइस, मैं ये लेकर आता हूँ। तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं गाइस। तो इसके लिए 9 होते हैं, दूसरे छोटे वाले बेसल के लिए 8 होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत यानी कि आसानी से लग जाता है। और गाइस, ये ना मैं फटाफट से पहले तोड़ कर आता हूँ। तो गाइस, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो दोबारा से आप ना वीडियो देख लेना, ठीक है, तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। और ये आप देख सकते हो, ये अलहदा अलहदा हो गए हैं एक दूसरे से। तो आप ना गाइस हर बेसल को अलहदा अलहदा कर सकते हो, ऐसे ही 9 बेसल लगा कर इसी तरह। पहले वाले को बस आपने आखिरी वाले को छोड़ देना है, दरमियान वाले को जो होंगे ना उनको तोड़ देना है। तो उसी तरह फिर करके आना है, तो आराम से हो जाएगा। और गाइस, अभी ये अभी है, तो इसको भी मैंने बोला चलो इधर लगा देता हूँ। तो यानी कि हर बेसल को लहदा लहदा कर देता हूँ, यानी कि 2x2 की मैंने छोटा वाला बेस बनाया, तो इसको ना पूरा हर बेसल को लहदा लहदा करूँगा। तो गाइस, ये मैंने कर दिए, ये देखो, तो इतने तक मैंने तोड़ दिए। और गाइस, अभी ये दोबारा से मैं लेकर आता हूँ इसको, और गाइस फिर देखते हैं लगता है या नहीं लगता है।
तो गाइज आप देख सकते हो ये भी लग चुका है, तो इसको पहले मैं तोड़ के आता हूँ, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसा लगा है गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो वो तो मैंने तोड़ दिया पूरा, और इधर से भी मैंने तोड़ दिया। और गाइज आप देख सकते हो हर बेसल एक दूसरे से यानी कि जुदा जुदा पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा अब तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हो, आप देख रहे होंगे कि ये तो कोई भी हमारे घर के यानी कि बाहर से देख सकता है, यानी कि ये इतना अंदर से यानी खुला सा घर है। तो ये देखो, तो गाइज इसका हल ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बोलते हो ना मेरी वीडियो के नीचे कि डबल डोर आप कैसे लगाते हो, तो गाइज वो मैं ऐसे ही लगाता हूँ, हर बेसल को अलहदा रखता हूँ। तो गाइज ये देखो डबल वॉल हो गया, ये आप देख सकते हो, और मैं आपको डबल डोर भी दिखा देता हूँ अब। तो ये डबल डोर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइज ये मैंने डबल डोर भी लगा दिए, तो इधर भी लगा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि बाहर वाला बंदा आपके घर के अंदर नहीं देख सकता, और बस आपने ऊपर से छत वाली सीलिंग लगा देनी है, छत वाली, और हो जाएगा। तो ओके गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। तब तक मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।